कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लगातार जो कोरोना मरीजों का ग्राफ, जो मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं, मगर इन सबके बावजूद जो कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए हैं, जो कोरोना के वार्ड बनाए गए हैं, वहां आज भी जो है बेहतर प्रबंधों की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली तो हमारी मांग है कि जो भर्ती होने के लिए कोरोना के मरीज आते हैं उनको वहां पर जो है भर्ती नहीं किया जाता। कई जगह से ऑक्सीजन की कमी की जानकारी मिल रही है, तो हमारी मांग है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी और बिस्तरों को जो है वो पारदर्शिता बनाई जाए, हर अस्पताल के बाहर लिखा जाए कि कितने बिस्तर उनके पास अवेलेबल है, कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, ताकि लोगों के अंदर जो असमंजस बना हुआ है वो दूर किया जा सके। इसके साथ ही जो वार्ड बनाए गए हैं, जो कोविड डेडिकेटेड वार्ड है, वहां पर भी बहुत ज्यादा इस समय कुप्रबंधों का बोलबाला है। वहां पर जो वरिष्ठ डॉक्टर है वो वहां पर अवेलेबल नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। जो जूनियर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी वहां पर अवेलेबल होते हैं, वे भी रेडी टू सर्व कंडीशन के अंदर नहीं है। रेडी टू सर्व से मेरा मतलब है कि जब किसी इमरजेंसी के अंदर कोई अटेंडेंट अपने मरीज के लिए उनको बुलाने आता है, तो उस समय वे 15 से 20 मिनट लेते हैं पीपी किट पहनने के लिए और तमाम एहतियात बरतने के लिए, मरीज के पास जाने के लिए, उपचार के लिए। इसके साथ ही अस्पताल के अंदर दवाइयों की लगातार कमियां हैं, जिस कारण वहां एक एक मरीज के साथ दो दो तीन तीन अटेंडेंट रुकने के लिए मजबूर है। देखिए, दवाइयों लेने के लिए लोगों को बाहर भेजा जाता है, बाहर भेजने से वहां पर जो है कोरोना में अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, जिससे कोरोना और फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही वहां पर जो मुख्य उपकरण है, जैसे जो स्टीमर है, नेबुलाइजर है, स्टेरॉइड इंजेक्शन है, ये भी मार्केट के अंदर उचित मूल्यों पर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो हम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हैं कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही जो 18 से 44 साल के लिए जो टीकाकरण की जो लगातार दावे किए जा रहे हैं, वे दावे भी तमाम खोखले साबित हो रहे हैं। किसी भी ऐप के अंदर, चाहे वो आरोग्य सेतु हो, चाहे कोविन हो, 18 से 44 वर्ष के आयु का लोगों का पंजीकरण संभव नहीं बन पा रहा। तो ये तमाम चीजों को लेकर हम अपील करते हैं शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के, इसकी और विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उस पर कहीं कहीं ना कहीं किसी हद तक काबू पाया जा सके। जय माता दी, जय जम्मू कश्मीर।